बहुत सीनियर कदावर लीडर जो दो बार मिनिस्टर भी रह चुके हैं, पूरी से इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। अपनी पार्टी ने फैसला किया है कि हम इनको बैक करेंगे, हम पूरा सपोर्ट इनको देंगे। ये फैसला पूरी के लोगों के मफाद को मद्देनजर रख के किया गया है, इसमें कोई जाति मफाद नहीं है, न ताज साहब का कोई जाति मफाद है, न मेरा कोई जाति मफाद है। हमें बड़ी खुशी है कि हम एक मंजे हुए कदावर लीडर को वहाँ अपना सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये उड़ी की नुमाइंदगी आने वाली असेंबली में जरूर करेंगे। शुक्रिया। एक मिनट पहले चेयर ही आप आगे लाइए, चेयर थोड़ा। मैं अल्ताफ साहब का वो अपने अपनी पार्टी जनाब मेरे पहलीना दोस्त जनाब गुलाम हसन इन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, तीनों ने मुझे सपोर्ट। बात ये नहीं है कि इलेक्शन में क्या होता है क्या नहीं, बात ये है कि कंसोलिडेशन 1-to-1 fight जिसमें हम दिखा सकें कि हम ताकतवर हैं। आपको भी बाप होगा, फिर बेटा लड़ेगा, फिर उसको पोता लड़ेगा, वो चीजों के खिलाफ पीडीसी ने भी इसी तरह अपनी सपोर्ट जो है वो ट्राई की है। मैं उनका भी मशहूर हूँ और अपने देवीना दोस्त और मेरे छोटे भाई अल्ताफ साहब भाई साहब यहाँ से इमरान पुलिस साहब से बात कर रहा हूँ। ये लहजे में इतना फर्क जल्दी क्यों आया? मुझे याद है कि जब आपने अल्ताफ साहब पे ये तनकीद की थी कि ए टीम बी टीम सी टीम, सो आज इन्होंने भी टीम का आप हिस्सा बने। इन्होंने भी की तो मैं आपका कह रहा हूँ, दो तरफा। अगर ये एक तरफा होती तो कोई बात। देखिए मैं आपको बताऊंगा, कहते हैं आगे की तरफ देखना चाहिए, पीछे की तरफ नहीं देख रहे। ये इंतखाबात एक ऐसे नाजुक मोड़ पे हैं जब हमारा सब कुछ लुट गया है। दिल्ली में जो सरकार बैठी है उसने हमारा सब कुछ ख़त्म किया है, हत्ता कि जो आने वाली सरकार है उनकी हर एक कोशिश है कि उसको कोई इख्तियार ना हो। लेकिन मैं आपको आज यकीन दिलाता हूँ, जब गदावर लोग वहाँ अंदर होंगे उनको मालूम है कि बा इख्तियार कैसे इस असेंबली को बनाया जाएगा। उनके चाहने से ही सब कुछ नहीं होगा, ये लोगों का मैंडेट होगा और लोगों के मैंडेट की कदर करनी पड़ेगी सबको। महबूबा मुफ्ती ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा आरोप ये लगाया कि बीजेपी की प्रॉक्सी पार्टी अपनी पार्टी को छोड़ के अब बीजेपी की प्रॉक्सी पार्टी एआईसी बन गई है, यानी उनकी तरफ से सभी पार्टी कांग्रेस और पीडीपी को छोड़ के बाकी सभी पार्टी को बीजेपी की प्रॉक्सी बोला गया, तो आप उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए महबूबा जी, मौसम की तरह उनका मिजाज जिस दिन जो हो वैसा बोलती हैं। तकरीबन मुझे लगता है, मेरे ख्याल में अगर उन पे छोड़ा जाए तो वो शायद कल कहेंगी कि पीडीपी भी प्रॉक्सी पार्टी है, कोई भरोसा नहीं है। वो अपनी जमात का भी ऐलानिया तोड़ कहेंगे, क्योंकि वो हैं, कह भी सकती हैं, वो तो गोद में बीजेपी की पली, ऐसा तो है नहीं, वो तो गोद उसकी उनकी गोद में पली। और जो चीफ मिनिस्टरशिप का पेंशन ले रही है उसमें हिस्सा 50% तो बीजेपी का ही था। इसलिए बातें अब मैं आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, क्यों हम इस इलेक्शन को मज़ेदार बनाना चाहते हैं, हम इसको ऐसा कड़वाहट नहीं लाना चाहते हैं। आप देख रहे हैं किसी की तरफ से कोई कड़वाहट के बयान नहीं हो रहे हैं। मेरी सबको गुजारिश है लोगों की खिदमत में लगें। ये ए बी सी डी ई की कोई बात जब चलेगी तो ए फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस से शुरू करिए, तो फिर ए प्लस महबूबा जी हैं और हम सब ए माइनस में आएंगे। इसलिए आरोप लगाने बड़े आसान हैं।
जी रिसेंटली आपने कहा कि आपकी जो जमात है वो किसी पार्टी को जो है इजमाज नहीं करेगी और नहीं रहेगी, लेकिन हमने कहा कि हम आजाद हूँ, हमने कहा हम आजाद, हमने मेरा सवाल आप मेरा जवाब सुन लीजिए, हम जान और मुझसे पूछा गया किनको कर रहे हैं, मैंने कहा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा किनको कर रहा हूं। ये तो कंसोलिडेशन तो जरूरी है, आपको पता ही हर एक आज कोई किंगडम नहीं ढूंढ रहा, आज सब ढूंढ रहे हैं कि लोगों को अवामी हुकूमत मिले, कोई भी नहीं।